कैसे हो मेरे पड़ाकू? ठीक, बढ़िया। लास्ट टाइम हमने साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ा था, आज उसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 4.4। अ साइक्लोट्रॉन्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज। कौन सी फ्रीक्वेंसी दे दी हमें? साइक्लोट्रॉन्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। किसकी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, दैट इज 10 मेगा हर्ट्स। व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन्स? मैग्नेटिक फील्ड पूछी हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी चाहिए टू एक्सेलरेट द प्रोटॉन्स। इफ द रेडियस ऑफ इट्स डिस्क इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस इज गिवन, दैट इज द रेडियस ऑफ डिस्क, दैट इज 60 सेंटीमीटर। सो 60 × 10⁻²⁔ मीटर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन MeV? काइनेटिक एनर्जी किसमें पूछी है? MeV, मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट ऑफ द प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटर। वैल्यू ऑफ E इज गिवन टू अस, मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज गिवन टू अस, एंड वैल्यू ऑफ 1 MeV दैट इज 1.6 × 10⁻³⁰ जूल। चलो, इतना कुछ दिया हुआ है। अगर याद हो तो लास्ट टाइम हमने साइक्लोट्रॉन में पढ़ा था, टू ऑपरेट द साइक्लोट्रॉन, टू ऑपरेट द पार्टिकल एक्सेलेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स मस्ट बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स मस्ट बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन ओनली साइक्लोट्रॉन विल वर्क। तो ये जो 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन की हो जाएगी। सो FC इज इक्वल टू 10 मेगाहर्ट्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड? मैग्नेटिक फील्ड पहले फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मिलेगी मुझे? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी में से। मुझे बताओ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? FC इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? FC इज इक्वल टू QB/2πm। बट हियर वी आर एक्सेलेटिंग विच पार्टिकल? फील्ड फॉर एक्सेलेटिंग प्रोटॉन्स। सो हियर वी हैव टू कंसिडर मास ऑफ प्रोटॉन, राइट? Q दैट इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन, B दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, MP दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन। वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 2πmPFC/Q, करेक्ट? ओके, हियर 2 एज इट इज पाई, दैट इज 3.14 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1.67 × 10⁻²⁷ इंटू साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी? FC, दैट इज 10 मेगाहर्ट्ज। सो इंटू 10 × 10⁻⁶ मेगा मीन्स 10⁻⁶ अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दैट इज क्यू इज नथिंग बट ई, 1.6 × 10⁻⁹. टू इंटू 3.14 इंटू 1.67 इंटू 10 अपॉन 1.6. टू इंटू 3.14 इंटू 1.67 इंटू 10 अपॉन 1.6. सो 2 × 3.14 इंटू 1.67 इंटू 10 अपॉन 1.6, दैट इज 65.54 इंटू 10⁻²⁷ प्लस 6, माइनस 27 प्लस 6, 10⁻²⁰, माइनस 21 प्लस 19, माइनस 2. सो दिस इज 10⁻²⁐. सो दिस कैन बी रिटन एज 0.655, दैट इज नियरली इक्वल टू 0.66 टेस्ला. सो द मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सेलेटिंग प्रोटॉन्स शुड बी 0.66 टेस्ला. एक्सेलेट करवाने के लिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए? 0.66 टेस्ला, क्या ठीक? चलो, मैग्नेटिक फील्ड मिल चुकी है, अब क्या फाइंड करना है हमें? काइनेटिक एनर्जी. मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है?
काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, यस और नो? 1/2 mv square. चलो 1/2 मास, मास ऑफ प्रोटॉन, सो 1/2 mp into v. वी स्क्वेयर, वी इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो हियर व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन एट द टाइम डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज 2πr अपॉन टाइम, दैट इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन स्क्वेयर, करेक्ट? सो 1/2 mp into 2 square, दैट इज 4π² into r square into 1/t. सो 1/tc, दैट इज नथिंग बट fc square, यस और नो? बिकॉज tc इज इक्वल टू 1/fc, राइट? सो 1/tc square, दैट इज नथिंग बट fc square. नाउ 2 into 2 4, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 into π² into mass of proton, that is 1.67 into 10 raised to minus 27 into r square, r that is 60 into 10 raised to minus 2. This is the condition for maximum kinetic energy. When radius of circular path is same as the radius of d, at the time we will get maximum kinetic energy. So here we are considering this radius same as the radius of d, at the time we will get maximum value of kinetic energy. So what is the kinetic energy in million electrovolt? This is maximum kinetic energy we are finding. 2π² into 1.67 into 10 raised to minus 27 r square, that is 60 into 10 raised to minus 2 whole square into fc square, fc that is 10 into 10 raised to 6 whole square, right? So this is nothing but 2 into 3.14 square into 1.67 into 10 raised to minus 27, 60 square, that is nothing but 3600 10 raised to minus 2 raised to 2 10 raised to minus 4, this is 10 into 10 raised to 6, that is 10 raised to 7, 10 raised to 7 square, that is 10 raised to 14. चलो क्या बने, 2 into 3.14 into 3.14 into 1.67 into 3600. वंस अगेन 2 into 3.14 into 3.14 into 1.67 into 3600. सो दिस यू विल गेट 118551.83. अब पावर की बारी, 10 raised to minus 27 into 10 raised to minus 4, 10 raised to minus 31, 10 raised to minus 31 plus 14, that is 10 raised to 17, plus or minus, minus. So this can be written as 1.185 into 1, 2, 3, 4, 5, 10 raised to minus 12. This is the kinetic energy in joule. But they are asking us to find this kinetic energy in MeV, million electrovolt में चाहिए. तो first of all I will convert it into EV. तो EV में convert करना है तो क्या करना पड़ेगा? Divide it by (1.6 × 10⁻¹⁹). Then you will get answer in EV. चलो बताओ क्या मिलेगी kinetic energy? 1.185 upon 1.6, you will get 0.7 into 10 raised to minus 12 plus 19, that is 10 raised to 7 EV. But we want answer in MeV, so this can be written as 7 into 10 raised to 6 EV, and 10 raised to 6, that is nothing but M, so 7 MeV. The kinetic energy of the proton beam produced by the accelerator is 7 million electrovolt. This way we will get kinetic energy. तो पहले साइक्लोट्रॉन की थियरी
क्लियर होनी चाहिए, पहले हमें साइक्लोट्रॉन की थियरी पढ़ी हुई होनी चाहिए, फिर ही आप लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अगर साइक्लोट्रॉन वाला कंसेप्ट क्लियर है तो ईजिली आप लोग मैग्नेटिक फील्ड और काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। सो दिस वे वी कैन सॉल्व एग्जाम्पल 4.4। आइए चलते हैं नेक्स्ट थियरी की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट थियरी, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस थियरी इज वेरी इंटरेस्टिंग थियरी, बहुत ही मजा आने वाला है। ऐसा ही कुछ हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस ग्रीन कलर्ड लाइन्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इट मीन्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, एंड यू हैव टू कंसिडर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर, प्लस जेड यू हैव टू कंसिडर आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर। दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन एंड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन दैट इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर। इज इट क्लियर? नाउ इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज प्लेस्ड? वन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पी टू क्यू, क्यू टू आर, आर टू एस, एस टू पी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, P to Q, Q to R, R to S, S to P. Here, this rectangular coil is kept in uniform magnetic field. This rectangular coil, suppose this is the direction of magnetic field. This is the direction of magnetic field and current carrying coil. Current carrying rectangular loop is placed like this. This current carrying loop is not placed in the direction of magnetic field. It makes some angle with the magnetic field. Thoda sa aise sochna padega. This is current carrying rectangular loop and that is placed in external magnetic field like this. This is the direction of magnetic field. Right? Chalo. Here, let me take this PQ is equal to RS is equal to length A. PQ is equal to RS is equal to A. QR is equal to SP is equal to B. Length of QR and SP that is B. Length of PQ and RS that is A. Right? Now, first of all, I want to find force acting on this current carrying loop due to external magnetic field. Whenever current carrying wire is placed in external magnetic field, then what will happen? Some magnetic force will act on it. So, on this current carrying loop, some magnetic force will act. So, total net magnetic force I want to find. This PQ wire I am taking 1. This QR I am taking 2. RS I am taking 3rd wire. And SP that is 4th wire. Right? So, first of all, I will find force acting on PQ wire, that is F1 vector. Force acting on PQ wire due to external magnetic field, that is F1 vector, right? Current is flowing like this. This is the direction of electric current and magnetic field. That is in x direction, yes or no? So F1 vector is equal to I
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हियर लेंथ एलिमेंट फॉर पी क्यू वायर दैट इज ए, दैट आई एम टेकिंग आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट, बिकॉज करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। दिस ए वेक्टर वी हैव टू टेक इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पी टू क्यू, सो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर दैट इज फ्रॉम पी टू क्यू। सेम वे हियर इफ आई वॉन्ट टू फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन आर एस वायर, देन दैट इज एफ टू वैक्टर, राइट। नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज फ्रॉम आर टू एस, सॉरी दिस इज एफ थ्री वैक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन थर्ड वायर एफ थ्री वैक्टर। सो फोर्स एक्टिंग ऑन आर एस वायर दैट इज आई माइनस ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, because a vector we have taken in this direction and rs is in the direction opposite to a vector but length that is same, so rs we have to take minus a vector, so f1 vector that is I a vector cross b vector, f3 vector that is I minus a vector cross b vector. Here what is the net force due to this F1 and F3? Force due to PQ wire and force due to RS wire that already we found, that is F1 vector and F3 vector. So what is the resultant of F1 vector plus F3 vector? Both are equal and opposite, yes or no? So net force that is zero, F1 vector plus F3 vector that is zero. These two forces F1 vector and F3 vector, F1 vector and F3 vector both are having equal magnitude but opposite direction because negative sign is there. F1 vector and F3 vector, what will be the direction of F1 vector, tell me? This is the direction of A vector, this is the direction of B vector. So just we have to rotate first vector towards second vector, first towards second. So what is the direction of F1 vector? That is in upper direction. So here direction of F1 vector is this. What is the direction of F3 vector? Minus A vector cross B vector. So this is the direction of minus A vector. And this is the direction of B. Just you have to rotate first towards second. In which direction? We will get force in downward direction. Or you can see a negative sign is there. Therefore, F3 will be in the direction opposite to F1. F1 is in upper direction. Then F3 vector will be in downward direction. So here, F3 vector that is in downward direction. But F1 vector is equal to minus F3 vector. Both are having equal magnitude but opposite direction. Therefore, net force due to these two forces, F1 vector plus F3 vector, that is zero. Correct? So, here, total of these two forces, that is zero. Now, F1 vector and F3 vector, both are collinear forces or non-collinear forces? F1 vector and F3 vector both are collinear forces or non-collinear forces? Both are collinear forces. Yes sir, because they are on the same line, both are collinear forces. So here they will not exert torque on this rectangular coil. There won't be any torque due to these two forces. So now we don't have to consider these two forces. Forget about F1 and F3.
एफ वन वैक्टर प्लस एफ थ्री वैक्टर दैट इज जीरो एंड बोथ आर कोलिनियर फोर्सेज. टू फॉर्म कपल वट इज रिक्वायर्ड नॉन कोलिनियर फोर्सेज एंड दिस टू आर कोलिनियर फोर्सेज. ड्यू टू दिस कोलिनियर फोर्सेज कपल विल नॉट बी फॉर्म्ड एंड टॉर्क विल नॉट एक्ट. मान लो कि ये कोयल है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है एक फोर्स नीचे लग रहा है, क्या इसकी वजह से ये कोयल घूमेगी? नहीं घूमेगी, क्योंकि कपल फॉर्म हो रहा नहीं है, बिकॉज दिस टू फोर्सेस आर कोलिनियर, राइट. नाउ वी विल फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू आर वायर एंड एस पी वायर. फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू आर वायर दैट इज एफ टू वैक्टर, करेक्ट. एफ टू वैक्टर इज इक्वल टू आई लेंथ दैट इज बी. आई एम टेकिंग बी वैक्टर इन दिस डायरेक्शन एंड दिस क्यू आर वायर दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. यस और नो? दिस क्यू आर वायर दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. सो हियर वी कैन राइट आई बी वैक्टर और यू कैन राइट आई बी. दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस बट करंट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड. सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वी शुड टेक माइनस जे कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? दैट इज इन एक्स डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस. सो बी वेक्टर दैट इज बी आई कैप, करेक्ट. सो दिस कैन बी रिटन एज आई बी बी माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप. जे कैप क्रॉस आई कैप, आई क्रॉस जे दैट इज के, जे क्रॉस आई दैट इज माइनस के. सो दिस कैन बी रिटन एज आई बी बी के कैप बिकॉज जे कैप क्रॉस आई कैप दैट इज माइनस के कैप. जे क्रॉस आई दैट इज माइनस के, माइनस माइनस प्लस के कैप. सो एफ टू वैक्टर इज इक्वल टू आई बी बी के कैप. चलो देख लेते हैं कौन सी डायरेक्शन मिलता है. हियर दिस करंट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो दिस बी वैक्टर वी हैव टू टेक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इन एक्स डायरेक्शन. नाउ जस्ट यू हैव टू रोटेट फर्स्ट वैक्टर टूवर्ड्स सेकेंड, फर्स्ट टूवर्ड्स सेकेंड. You will get F2 vector in which direction? Outside the plane of figure. And outside the plane of figure that is Z direction. And for Z direction what we have, what we take? K cap. For Z direction we take K cap. So direction of F2 vector that is in Z direction. Now we have to find force acting on this SP wire. Force acting on SP wire that is F4 vector, right. This is F4 vector. Tell me F4 vector is equal to current flowing through this wire that is I, length of this wire that is B, and we have to take length element in the direction of electric current. Current is vertically upward. If current is vertically upward then this length element is along positive y direction, and for positive y direction what we take? J cap. So I B J cap cross B I cap, correct. So this can be written as I B B J cap cross I cap.
बट व्हाट इज जे कैप क्रॉस आई कैप, दैट इज माइनस के कैप. देयरफॉर एफ फोर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई बी बी के कैप. यस सर. नाउ टेल मी व्हाट इज द समेशन ऑफ एफ टू वेक्टर एंड एफ फोर वेक्टर. टेल मी एफ टू वेक्टर प्लस एफ फोर वेक्टर दैट इज इक्वल टू, दिस इज आई बी बी के कैप, दिस इज माइनस आई बी बी के कैप. सो एफ टू वेक्टर प्लस एफ फोर वेक्टर दैट इज इक्वल टू जीरो. सो एफ टू वेक्टर प्लस एफ फोर वेक्टर दैट इज इक्वल टू जीरो. सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर दैट इज नथिंग बट जीरो. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज जीरो. नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस रेक्टेंगुलर कॉइल, नेट फोर्स दैट इज जीरो. इट मीन्स दिस कॉइल विल नॉट परफॉर्म एनी ट्रांसलेशनल मोशन. फोर्स तो लग रहा नहीं है तो ट्रांसलेशनल मोशन तो होने वाला नहीं है. चलो नेट फोर्स जीरो, ट्रांसलेशनल मोशन होने वाला नहीं है. बट वी आर इंटरेस्टेड इन टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ड्यू टू दिस टू फोर्सेस देयर वॉन्ट बी एनी टॉर्क, बट ड्यू टू दिस टू फोर्सेस एफ टू वैक्टर एंड एफ फोर वैक्टर टेल मी दिस एफ टू वैक्टर एंड एफ फोर वैक्टर दिस टू फोर्सेस आर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस क्यू आर वायर टेल मी, दैट इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. सो फॉर दैट आई एम टेकिंग डॉट, डॉट इंडिकेट्स आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एस पी वायर दैट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. चेक करना है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जस्ट रोटेट फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स सेकंड इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. देयरफॉर माइनस के कैप, माइनस के कैप इट मीन्स इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन. सो हियर फोर्स दैट इज इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन, फॉर दैट आई एम टेकिंग क्रॉस आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर, इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. सो नाउ दिस वे फोर्सेस आर एक्टिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर, इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. नाउ दिस टू फोर्सेस आर कोलिनियर फोर्सेस और नॉन कोलिनियर फोर्सेस. नॉन कोलिनियर, सो एफ टू वैक्टर एंड एफ फोर वैक्टर दिस आर टू नॉन कोलिनियर फोर्सेस. एंड वेन वी हैव नॉन कोलिनियर फोर्सेस एट द टाइम वॉट विल बी फॉर्म, कपल. एंड वेन कपल इज फॉर्म देन वॉट विल हैपन, टॉर्क विल एक्ट ऑन द सिस्टम. यस ऑन. सो नाउ सम टॉर्क विल एक्ट ऑन दिस रेक्टेंगुलर कॉइल. फोर्स एक्टिंग ऑन दिस क्यू आर वायर इज इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एस पी वायर दैट इज इन साइड द प्लेन ऑफ फिगर. सो दिस वे फोर्स विल एक्ट ऑन दिस साइड आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर, ऑन दिस साइड इन साइड द प्लेन ऑफ फिगर, एंड द रेक्टेंगुलर कॉइल विल रोटेट. So this way torque will act on this rectangular current carrying loop. Now how can we find torque acting on rectangular current carrying coil? So what is the formula of torque when couple is formed? When couple is formed at the time torque is nothing but magnitude of either force, magnitude of either force into perpendicular distance between
टू लाइन्स ऑफ एक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ एक्शन. सो हियर आई हैव ड्रॉन सेम डायग्राम, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी. हियर फोर्स एफ फोर वेक्टर दैट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर एंड एट पॉइंट डी एफ टू वेक्टर दैट इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. दिस प्लेन यू हैव टू कंसिडर परपेंडिकुलर टू दिस फिगर. यू हैव टू कंसिडर दिस ट्राइंगल लाइक दिस. हियर यू कैन सी दिस इज एफ फोर वैक्टर इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर, दिस इज एफ टू वैक्टर दैट इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर एंड दिस डिस्टेंस दैट इज नथिंग बट ए. यस ऑर नो? दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट ए. दिस इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए. सो दिस डिस्टेंस दैट इज ए. आई वॉन्ट टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ एक्शन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करें? परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फिगर कुछ ऐसे कंसिडर करें. ये हो गया हमारा एफ फोर, एफ टू और ये हो गया हमारा एफ फोर. इन दोनों के बीच में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब एफ फोर वैक्टर किस तरफ है? इनसाइड. और एफ टू वैक्टर कहाँ पे? आउटसाइड. इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है. सो दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यस ऑर नो? ओके. नाउ एरिया वेक्टर विल बी इन विच डायरेक्शन? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? व्हेनेवर वी कंसीडर एनी प्लेन देन एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो चलो एरिया की डायरेक्शन क्या बनेगी? देखो ये हो गया एफ टू वैक्टर, ये हो गया एफ फोर वैक्टर और हमें डिस्टेंस जो निकालना है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, राइट? अब मुझे बताओ अगर ये प्लेन है तो इसके लिए एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में हो सकता है? एक तो परपेंडिकुलर टू प्लेन इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा. देर आर टू पॉसिबिलिटीज. सो हाउ कैन वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर वी हैव टू अप्लाई राइट हैंड थंब रूल. क्या अप्लाई कर लेना चाहिए? राइट हैंड थंब रूल. जस्ट यू हैव टू कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. करंट इज फ्लोइंग इन विच डायरेक्शन? लाइक दिस. सो एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, मतलब अंदर की तरफ मिलने वाला है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, करेक्ट? दिस वे यू विल गेट एरिया वेक्टर. यू डोंट हैव टू कंसीडर दिस एरिया वेक्टर, यू हैव टू कंसीडर एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन बिकॉज करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन देन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल चेंज. सो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल वी कैन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सो दिस एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड सपोज दिस एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज विथ एक्स एक्सिस. सो हियर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर दैट इज थीटा. व्हाट इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर? दैट इज थीटा. ओके. नाउ इफ दिस इज थीटा देन दिस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन देन दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री. दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री. ये पूरा क्या होना चाहिए? 90. इफ दिस इज थीटा देन दिस मस्ट बी पाई बाई टू माइनस थीटा. ये कितना होना चाहिए? पाई बाई टू माइनस थीटा. सो हियर दिस इज एफ फोर वैक्टर, दिस इज एफ टू वैक्टर, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस सीई इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो एंड दिस इज ए, दिस इज ए. व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस ए एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस? दैट इज पाई बाय टू माइनस थीटा, करेक्ट? यस ऑर नो? एंड दिस ट्राइंगल दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल. इफ दिस इज पाई बाय टू माइनस थीटा
देन दिस एंगल विल बी, दिस इज 90 डिग्री, देन समेशन ऑफ दिस टू एंगल मस्ट बी 90 डिग्री. इफ दिस इज पाई बाई टू माइनस थीटा देन दिस एंगल मस्ट बी थीटा, यस सर. सो दिस इज पाई बाई टू माइनस थीटा, दिस इज थीटा, देयरफॉर दिस साइड सी ई विल बी कंपोनेंट ऑफ ए अपोजिट टू थीटा, कंपोनेंट ऑफ ए अपोजिट टू थीटा, दैट विल बी ए साइन थीटा. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कंसिडर करूँ मैं ऐसे, वो कितना बनेगा ए साइन थीटा, क्या ठीक? चलो मैग्नीट्यूड हमारे पास है, निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल चुका है. नाउ वी कैन फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस रेक्टेंगुलर कॉइल. नाउ टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, चल बता क्या फॉर्मूला बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, कौन से फोर्सेस की वजह से टॉर्क लग रहा है, F2 एंड F4, दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लो, तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव आने वाला है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा IBB, इसका भी क्या बनेगा IBB. सो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स दैट इज IBB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑफ एक्शन. व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑफ एक्शन, दैट इज ए साइन थीटा. सो IBB इनटू ए साइन थीटा, ठीक है. चल सो दिस कैन बी रिटन एज आई इनटू AB into B sin theta, right? I into AB B sin theta. What is this? A into B, that is nothing but length into breadth, that will give you area. Length into breadth, that is nothing but area. Therefore torque tau is equal to I AB sin theta. This is the formula of torque on a rectangular current loop in a uniform magnetic field. ये हमें torque मिला. Right now I have considered only one turn. कितने turn consider किए, एक turn. If there are n number of turns, if we consider n number of turns for this rectangular current loop, then torque acting on rectangular loop will be for n turns. Torque tau is equal to, just you have to multiply this with number of turns. Due to one turn, torque that is IAB sin theta. Then, due to n turns, what will be the torque? That will be nothing but BINA sin theta. Yaad rakhe. Formula of torque acting on current carrying loop placed in external magnetic field is BINA sin theta. Kya hota hai? BINA sin theta. BINA, BINA sin theta. B that is magnetic field, I that is the current flowing through current carrying loop, N that is number of turns, and A that is area. Now here if we want magnetic moment, then magnetic moment M vector is equal to, what is the formula of magnetic moment? Now I am going to define new physical quantity, magnetic moment. This is nothing but magnetic dipole moment. About electric dipole moment already you have studied. Now new physical quantity, that is magnetic moment. Magnetic moment M vector is equal to NIA vector. What is the formula of magnetic moment? That is NIA vector. If we take one turn, then N is equal to 1IA vector. From this you can see that direction of magnetic moment we have to take in the direction of area vector. Area vector is in this direction, it means this is the direction of magnetic moment. Correct? So IA vector is nothing but magnetic moment. So M is equal to NIA. If we take magnitude, then M is equal to NIA. So instead of NIA, can I write M? Therefore torque tau is equal to MB sin theta. क्या फॉर्मूला बनेगा, torque tau is equal to MB sin theta, where M that is magnetic moment.
एम दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, बी दैट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड टॉर्क टाउ दैट इज वेक्टर क्वांटिटी. इफ यू वांट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देन दिस कैन बी रिटन एज टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. क्या बनेगा? टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. एम क्रॉस बी, व्हेनेवर वी रिमूव क्रॉस देन एम बी साइन थीटा, सो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा. टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क की डायरेक्शन क्या रहेगी. नाउ यू कैन सी द रेक्टेंगुलर कॉइल विल रोटेट लाइक दिस. यस सर, हियर इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एम वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर. एम वैक्टर दैट इज इन दिस डायरेक्शन एंड बी वैक्टर दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो जस्ट यू हैव टू रोटेट फर्स्ट वैक्टर टूवर्ड्स सेकेंड, रोटेट फर्स्ट टूवर्ड्स सेकेंड. सो टॉर्क जस्ट यू हैव टू कंसिडर वन प्लेन, इन दैट प्लेन यू हैव टू टेक एम वैक्टर एंड बी वैक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एम वैक्टर एंड बी वैक्टर. सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग लूप दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क दिस इज एम वैक्टर, दिस इज बी वैक्टर एंड यू कैन थिंक ऑफ वन प्लेन. वॉट इज द एंगल बिटवीन एम वैक्टर एंड बी वैक्टर? That is theta only. So direction of torque, tau vector, that will be in downward direction, right? Now tell me what should be the unit of magnetic moment. From this formula, tell me what should be the unit. Unit kya banega magnetic moment ka? Unit of magnetic moment. What is the unit of electric current? That is I. What is the unit of area? That is meter square. What is the unit of electric current? That is A, ampere. What is the unit of area? Meter square. So unit of magnetic moment that is ampere meter square. Kya banega unit? Ampere meter square. So this is the unit of magnetic moment. Now same thing you have studied in chapter number 1. When electric dipole is placed in uniform electric field. At the time you were getting torque tau is equal to PE sin theta. Yes or no? And tau vector is equal to P vector cross E vector. What is P vector? That is electric dipole moment. What is E vector? That is electric field. Here what is M? That is magnetic dipole moment. What is B? That is magnetic field. So this is the torque acting on magnetic dipole placed in external magnetic field. This is the torque acting on electric dipole placed in external electric field. Now, if we take theta 0, if we take theta 0, it means M vector and B vector both are in the same direction. Then torque acting on this coil will be 0. Yes or no? Torque that will be 0. That condition is called stable equilibrium condition. When theta is equal to 0, then torque acting on that rectangular coil will be 0, and that condition is called stable equilibrium condition. Same thing I have discussed in chapter number 1. When we take theta is equal to pi, that is 180 degree, if both are anti-parallel to each other, then what will happen? Torque will be 0, but that condition is called unstable equilibrium condition. Which condition? Unstable equilibrium condition. When theta is 0, stable equilibrium condition. Theta is equal to 0, stable equilibrium condition. And theta is equal to pi, then unstable equilibrium condition. Right? So this way we can find torque acting on rectangular current loop in a uniform magnetic field. I hope the concept of torque acting on rectangular current carrying loop placed in external magnetic field is now clear to you. Practice karein. Write this theory at least 2 times in homework. Minimum 2 baar to aapko isse likhna chahiye.
आफ्टर दैट दिस थिंग विल बी वेरी ईजी फॉर यू. आई एम स्टॉपिंग हियर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.